नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है सर्कल के और रेक्टेंगल के फॉर्मूले की हेल्प से, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोन का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे एक्टिविटी मेथड से। ये देखिए, ये शेप आप सभी जानते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब हमें ये पता करना है कि सिलेंडर में और कोन में, ये एक कोन है, जैसे बर्थडे कैप आप सभी ने देखी होगी, वो कौन सी शेप होती है? कोनिकल शेप। तो सिलेंडर में और कोन में दोनों में क्या रिलेशन है आपस में, आज मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे एक हमने इस डिब्बे में थोड़ी सी चाय पत्ती ली, एक हमें व्हाइट शीट ली। व्हाइट शीट से हमने सबसे पहले क्या करना है, एक कोन बनाना है इस तरह से। अब ये कोन कैसा होना चाहिए, इसका जो रेडियस है सर्कल का, इसका रेडियस और ये जो हमने सिलेंडर लिया है, ये जो सर्कल है, इन दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए और इस सिलेंडर की हाइट और इस कोन की हाइट, ये दोनों भी बराबर होनी चाहिए, तभी ये एक्टिविटी पॉसिबल है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोन में हमने ये चाय पत्ती डालनी है। अब जरूरी नहीं है हम चाय पत्ती लें, हम सैंड ले सकते हैं, कोई और ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको कोन को इस चाय पत्ती से फिल कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये अच्छे से फिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने इस ग्लास के अंदर डाल देना। ये हमने डाल दिया, ये हमने एक बार डाला इस ग्लास में। अब हम एक बार और करते हैं ऐसी, एक बार और हमने ये कोन फिल किया, ये देखिए अच्छे से, और हमने इसको फिर ग्लास को इससे फिल करा, ये हमने टू टाइम्स कर लिया। अब हम जो हमारी चाय पत्ती रह गई है इससे फिर ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो हमने ये देखिए कोन फिल कर लिया और हमने इस कोन को, जो चाय पत्ती इसके अंदर, उसको हमने इस ग्लास में अच्छे से डाल दिया। ये देखिए इस तरह से ये ग्लास पूरा भर गया और इसकी जो चाय पत्ती है ये भी खाली हो गई। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर कितनी चाय पत्ती आई, जो हमने इस कोन को थ्री टाइम्स अगर हमने इसमें डाला तो वो इसके इक्वल हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम के थ्री टाइम्स है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है उसका 1/3 है। तो हमने क्या देखा कि सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो कोन का वॉल्यूम, इससे हमने क्या डिराइव किया कि कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये इसका 1/3 है। तो इस तरह से देखिए, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, बस हमें एक कोन तैयार करना है सेम रेडियस और सेम हाइट ऑफ द सिलेंडर का, और उससे हम ये एक्टिविटी घर पे भी करके देख सकते हैं, जिससे हमें ये प्रूफ भी हो जाएगा कि हाँ कोन का जो फॉर्मूला है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। थैंक यू।